कुछ एक बड़ा अहम मामला है जिसकी बाजगश्त हमने पिछली दो हुकूमतों के दौरान भी सुनते रहे, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाया है। और अब बहरहाल अब रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की बात हो रही है। पाकिस्तान में नाज़रीन गली मोहल्लों के परचून फरोशों को टैक्स नेट में लाया जा रहा है, जिसकी वजह IMF का मुतालबा है। IMF को 29 लाख परचून फरोशों के टैक्स नादहिंदा होने पर शिकवा था, जिनकी सेल लाखों में है, लेकिन अहम मसला ये है कितनी ज़्यादा दुकानों की गिनती कैसे होगी और ये प्रोसेस कितने वक्त में मुकम्मल होगा। बिल्कुल सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे मौशिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाखों ऐसे दुकानदार हैं टैक्स नेट में है नहीं, अब ये खासा बड़ा और पेचीदा मामला हमने पिछली दो हुकूमतों में देखा, कोशिश हुई लेकिन अमल नहीं हो पाया। क्या ये इतना आसान है और इनको टैक्स नेट में लाने का अमल मुमकिन हो सकता है? देखिए, एक तो बात ये दुरुस्त है कि हमने IMF को लिख के दिया था कि हम जनवरी 2024 से ये अमल शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये था कि हम बिजली के बिलों से जो 35 लाख ये जो ऐसे लोग हैं, इनका जो डेटा हमारे पास मौजूद है थ्रू दी कमर्शियल कनेक्शंस, ये वहाँ से डेटा लिया जा रहा है, इसको देखते हुए ये हम काम शुरू कर देंगे। हमने जनवरी में नहीं किया, सो अब April 1 को इसलिए भी करना पड़ रहा है बिकॉज अप्रैल मिड या एंड में हमने बोर्ड में लेकर जाना है अपना स्टैंड बाय अरेंजमेंट कम्प्लीशन के लिए। ये बात अब IMF की हद तक कर ली गई, पर आगे देखिए ना कि क्या हमें अपने लिए ये काम करना है कि नहीं करना। अगर रिटेल और होलसेल इतना बड़ा हजम है इसका आपकी इकॉनमी में, तो क्या आप चाहते हैं कि ये काम करें या ना करें? ये फैसला तो आपने करना है, पर आपको भी यही फैसला करना चाहिए ना कि इन भाई बहनों को जो ये दुकान चलाते हैं, जो ये कारोबार करते हैं, ये इन्होंने गोदाउन बनाया हुआ है, जो भी काम वहाँ पे कर रहे हैं, इनको भी उतना ही टैक्स देना चाहिए अपने स्टोर शॉप वेयर हाउस से, जो कि हम और आप या कोई बिजनेस या कोई और तबका कमर्शियल एंटरप्राइज दे रहा है। सो दैट इज़ द बेसिक थिंग। क्या ये करना आसान होगा? ये आपकी बात दुरुस्त है। देखिए, ये तो अभी 35 लाख का एक डेटा है, मैं तो ये कहता हूँ खाकान साहब, देखिए करेंगे सिर्फ कहना कि जी टैक्स नेट में लेके आना है और इनको भी हमने रजिस्टर करना, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको करना किस तरह है, वो मैकेनिज्म क्या होगा, इस पर जाहिर है बात होनी है, ये समझाना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है यहाँ पर जब कोई इस तरह का नोटिस आता है तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि भत्ता वसूली के लिए निकल जाते हैं कि भाई आप इतने पैसे हमें दें तो भी आपकी रजिस्ट्रेशन होगी या फिर आपको इस प्रोसेस में यानी कि शामिल कर लिया जाएगा। जब तक हमारा कैश डिजिटलाइज नहीं होगा तब तक कैसे पॉसिबल है कि हमें पता चले कि टर्नओवर क्या है, कितने की सेल्स हो रही है, छोटा दुकानदार कितना पैसा कमा रहा है, खर्च कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है इन सब मतलब इकदामात के बावजूद? सो ये बात सही है आपकी। देखिए, ये तो है काम जो हमें आज से कई दहाइयों पहले थ्रू दी टैक्स सिस्टम कर लेना चाहिए था। आज जहाँ खड़े हैं वहाँ फिर यही कह रहे हैं कि आपकी दुकान का अगर एक इतना हजम है उस पर एक इतनी इनकम सोची जाएगी और उस पर एक इतना टैक्स लिया जाएगा। सो ये काइंड ऑफ फिक्स्ड इनकम स्कीम है, अगर आप उस थ्रेशोल्ड में भी नहीं आएंगे तो आपसे 1200 रुपये पर एनम टैक्स लिया जाएगा। अभी तो ये सोच है, ये बात आपकी ठीक है कि ये सारी कॉम्पिटिशन ये सब कुछ करना है, पर आई थिंक दैट इज़ द सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज़ कि 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, बहुत से लोग नहीं करेंगे, फिर वो जो उनकी कमिटीज़ होती हैं उनको यूज़ किया जाएगा मैं समझता हूँ। अभी ये डिटेल्स जो हैं खुद हकूमत ने या FPR ने अभी हमारे सामने नहीं रखी, सो लेट्स सी कि वो किस तरह इसको चलाना चाहते हैं, बट ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होगा, ये इमीडिएटली नहीं होगा, ये बात भी आपकी दुरुस्त है, पर उस तरफ जाने के लिए एटलीस्ट एक सफ़र का आगाज़ है। चलें, मतलब IMF की तय किया पर शुरू तो कर दिया है, दैट इज़ हाउ आई थिंक। भले अब हुकूमत का वक्त पूरा हो जाए ये प्रोसेस को कम्प्लीट करते करते, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि चलें जी एक अच्छा खुशाइंद इकदाम तो है, हमने शुरुआत तो की। दुरुस्त, देखिए ना, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, रिटेल एंड होलसेल का टैक्स और पाकिस्तान की जो हमारी एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी सेक्टर है, ये तीन एरियाज हम समझते हैं कि अंडर टैक्स्ड हैं पाकिस्तान में, जिनमें टैक्सेशन की बहुत बड़ी गुंजाइश है और कुछ तो इसमें से बिल्कुल टैक्स के नेट में है ही नहीं। सो ये काम तो हमें करना पड़ेगा, और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर पैसे IMF से मांग कर या दुनिया भर से मांग कर ही चलाते रहेंगे। टैक्स टू GDP कम है, उसको बढ़ाने के लिए आपको ये इकदाम लेने पड़ेंगे, टैक्स गैप्स एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह जो सेल्स टैक्स की रजीम है उसमें बहुत बड़ा टैक्स गैप है,
इसी तरह पाकिस्तान की टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, ये सारे कामों की तरफ हमें बढ़ना तो पड़ेगा। अभी तो हम आसान काम करते हैं। डॉक्टर, इसमें पैरेलल ये चीज भी हमने पिछले तकरीबन 3 साल से 4 साल से ये देखा कि पाकिस्तान में प्राइस कंट्रोल सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। किसी जगह कोई चीज एक महंगी हो रही, दुकानदार कह रहे जी पीछे से महंगी हो गई है। अब जब दुकानदार को पल्ले से कम अज कम भी 1200 रुपए पर एनम टैक्स भी देना पड़ेगा, तो वो इस तरह से टैक्स बताएगा कि चीज़ें वहाँ बढ़ेंगी, पहले होलसेलर फिर रिटेलर्स। तो इसका मतलब है कि इस टैक्स के नाम पर पहले ही हमारे पास सिस्टम कम था, टैक्स के नाम पर मजीद फिर महंगाई होगी जो आम सारिफ को देना पड़ेगी। ये आपकी बात सही है, पर यूजली तो ये होता है कि जो GST है यानी कि उसके निफाज से कीमतें बढ़ती हैं। जी हाँ, ये तो एक इनकम टैक्स लागू करने जा रहे हैं हम, यानी कि आपकी जो इनकम है यानी कि आपने जो कमाई की, खर्चे निकाले, अब आपके पास 1 लाख रुपया बच गया, उस पे हम कह रहे हैं 10,000 रुपये दे दीजिए। सो एक तो बात ये है, पर ये बात भी आपकी दुरुस्त है। देखिए, पाकिस्तान के इस निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा ना। पाकिस्तान जहाँ से प्रोड्यूस करना शुरू करता है अपना फूड की बात कर लेते हैं, वहाँ से लेके जब तक रिटेलर के पास चीज़ पहुँचती है, उसमें पहले तो हमारी पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की कमज़ोर है, फिर 15 से 30% लॉसेस हो जाते हैं इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। सो आप समझिए कि ये जो कीमतें इतनी बढ़ी हुई हैं ना, ये प्राइस कंट्रोल जो है, ये तो आसान है कह देना हम प्राइस कंट्रोल करना चाहते हैं। रियली दुनिया कोशिश करती है पैदावारी सलाहियत हमारी ठीक हो। सो हम 1 एकड़ से जितनी पैदावार ले रहे हैं, लेट से उससे 2 गुना लेना शुरू करें, फिर अगर 30% अजनास जाया ही हो जानी है और उस जाया होने को बचा लें, तो 30% ज़्यादा चीज़ें पहुँचेंगी रिटेलर तक, तो उसकी हमें सोचना बड़ी मुख्तलिफ। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अब जो नई हुकूमत आई है, अगर उसने ब्रेक अवे फ्रॉम द पास्ट करना है, तो देन गेट ऑन टू द राइट पाथ। और राइट पाथ जो है वो पाकिस्तान की पैदावार बढ़ाना, पाकिस्तान के लॉसेस एग्रीकल्चर के कम करना, ये है राइट पाथ। फिर आएगा कॉम्पिटिशन, जब आएगा कॉम्पिटिशन तो ये खुद ही कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि आप डीरेगुलेटेड सेक्टर्स में देखते हैं। राइस की कीमत जो है बड़ी डीरेगुलेटेड है, हुकूमत उसमें इंटरफियर नहीं करती, दुनिया भर को भी राइस बेचते हैं, पाकिस्तान में भी कीमत जो है वो स्टेबल ही रहती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।